उितम बमउरबन्नाजीम सो अल्लामदना के बाद इज़ आसिफ़ शहजादी फॉर द्रपरेशन ऑफ लेक्शन एंड मास्टर सो डरस ये हमारा थर्टी सिक्स जो लेक्चर है उसका सेकेंड पार्ट है हम डिस्कस कर रहे हैं सोलो टेक्सनोमी को ठीक है तो सोलो टेक्सानोमी का जो पार्ट वन है उसमें मैंने आपको इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको करवाया है ठीक है तो मैं फिर से थोड़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि ये जो सोलो है सोलो का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्वड लर्निंग आउटकम ठीक है यानी कि हम जो स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको हम क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं ये ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग है Uh, उसका एक स्ट्रक्चर है कि कैसे कैसे स्टूडेंट चीजों को लर्न करता है मेमोराइज करता है और कैसे हमने उनको ऑब्जर्व करना है ठीक है तो ये जो हमारे पास टेक्सानोमी है टेक्सानो का मतलब होता है कि कि एक ही टेक्सानो की टैक्सानोमी का मतलब होता है कैटेगराइज करना डिस्ट्रीब्यूट करना डिवाइड करना ठीक है सोलो का मतलब है एक ही हमारे पास डोमेन है और इस उस जो डोमेन ऑफ नॉलेज है उसको कैटेगराइज किया गया छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे टॉपिक में उसको किया डिवाइड किया, किया गया स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड कर दिया गया ठीक है जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर होता है यूनिस्ट्रक्चर होता है मल्टी स्ट्रक्चर होता है रिलेशनल होता है और एक्सटेंडेड अबस्ट्रेक्ट होता है ठीक है ये हमारे पास इसकी फाइव स्टेजेस है तो ये बिग्स ऑन कॉलेज जो है उन्होंने 80, 1982 के अंदर ये कंसेप्ट दिया था और पहले इन्होंने फोर इसके लेवल दिए थे फोर इसके स्टेजेज दिए थे और नाइनटीन uh, नाइन के अंदर इसको इन्होंने रिवाइज किया, किया था और एक स्टेज का इन्होंने जो है ना इसमें ऐड किया था इजाफा किया था वो थी हमारे पास प्री स्ट्रक्चर ठीक है तो आप प्रीवियस लेक्चर लीजिएगा ठीक है तो इससे मज़ीद आपका ये बेसिक जो लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है हम हमने उस पर बात करनी है ठीक है तो हमारे पास ये जो सोलो टैक्सानोमी है इसके हमारे पास फाइव स्टेजेस हैं ठीक है इसके लेवल हमारे पास टू है हैं और स्टेजेस इसके फाइव हैं ठीक है फाइव स्टेजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो स्ट्रक्चर होता है सेकंड नंबर पर स्ट्रक्चर होता है थर्ड नंबर पे मल्टी स्ट्रक्चर होता है और फोर्थ नंबर पे रिलेशनल होता है और फाइव नंबर पे हमारे पास एक्सटेंडेड ऑबस्ट्रैक्ट होता है ठीक है तो फर्स्ट जो हमारा है उसको यानी कि जो प्री स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं कि इसमें स्टूडेंट जो होता है उसके पास जो चीज हम बच्चे को लर्न करवा रहे हैं मेमोराइज करवा रहे हैं बच्चे के पास उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता उसके बारे में बच्चे को चोटी नहीं होती बच्चा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखता ठीक है हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट इज नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक स्टूडेंट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है उसके बारे में श्योर sure नहीं होता रिस्पॉन्ड गिट इंटली और इन आर मीनिंगस वे ठीक है यानी कि जब आप स्टूडेंट से इस लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट क्या करता है इ रेलिवेंट जवाब देता है एग्जैक्ट आपको जवाब नहीं देता या फिर मीनिंगलेस जवाब देता है क्योंकि स्टूडेंट के पास इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती ये ठीक है, है पर इस स्ट्रक्चर यानी अभी तक स्टूडेंट के माइंड में उस चीज़ का उस टॉपिक का उस ऑब्जेक्ट का कोई भी कंटेंट जो है ना नहीं बना होता कोई भी सकीमा नहीं बना होता कोई भी पिक्चर अभी तक नहीं बनी होती ठीक है तो इसकी वजह से स्टूडेंट उसके बारे में ठीक से रिस्पोंड नहीं करता और उस टॉपिक के बारे में कंप्लीटली श्योर sure नहीं होता ठीक है तो सेकंड स्टेज हमारे पास होता है यूनिस्ट्रक्चर ठीक है इसमें जिस चीज के बारे में जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं हम टीचिंग करवाना कर्वान, चाह रहे हैं इसके जस्ट एक ही पहलू को एक ही एस्पेक्ट को स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है अंडरस्टैंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ मैंगो ऑफ टॉपिक ठीक है मैं आपको मैंगो की या एप्पल की यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है जिसने कभी अभी तक जो है ना वो एप्पल या मैंगो नहीं देखा तो हम उससे एप्पल या मैंगो के बारे में पूछते हैं तो वो उसको रिस्पोंड नहीं कर पाएगा वो छोटी से जो है ना वो उसका जवाब सही से नहीं दे पाएगा मीनंगस वे में जो है ना उसका रिस्पोंड करेगा उसका जवाब देगा ठीक है क्योंकि वो अभी उस टॉपिक के बारे में उस ऑब्जेक्ट के बारे में वो क्लियरली नहीं है और ना ही वो उसको डिफाइन कर सकता है अभी तक उसके माइंड में उसके बारे में स्कीमा नहीं बना और ना ही पिक्टोरियल फॉर्म उसके माइंड में अभी तक बनी है ठीक है तो यूनिस्ट में यह है कि बच्चा पिक्टोरियल बना लेता है उसके एक एक्सपेक्ट को जज कर रहा होता है ठीक है मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था ठीक है कि बच्चे को आपने जब नर्सरी या प्रेप पे पढ़ा रहे होते हैं तो जब आप बच्चे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा जो है हालांकि जो डिजिट्स होते हैं जो यानी कि फिगर होती है यानी कि अल्फाबेटिकल जो यानी कि वर्ल्ड होते हैं उनको बच्चा जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता लेकिन जैसे ही आप बच्चे को पिक्चर दिखाते हैं तो वो क्या करता है उसको अंडरस्टैंड कर लेता है ये पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इस लेवल पे होती है यूनिस्ट्रक्चर लेवल पे क्योंकि उसने एक ही एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस की होती है उसको अंडरस्टैंड किया होता है उसको लर्न किया होता है ठीक है उसके बाद ये हमारे पास मल्टीस्ट्रक्चर आ जाता है मल्टीस्ट्रक्चर को देखते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवरल एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक बट देर रिलेशन विद ईच अदर इज मिस्ड इसमें बच्चा क्या करता है डिफरेंट एंगल से डिफरेंट एस्पेक्ट जो है ना टॉपिक के वो क्या करता है अंडरस्टैंड कर लेता है लेकिन उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है ना वो नहीं बना सकता ठीक है फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे बच्चा क्या करता है बच्चा जो एप्पल होता है उसकी जो स्वीटनेस है वो कहता है कि ये बहुत लजीज होता है बहुत मीठा होता है ठीक है और दूसरा ये है कि ये रेड कलर का होता है ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है तो इस तरह करके उसको वो उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एंगल को वो स्टडी कर लेता है ठीक है तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास रिलेशनल आ जाता है इस लेवल पे बच्चा क्या करता है डिफरेंट चीजों के दरमियान क्या करता है वो रिलेशन जो है ना वो बना लेता है वो इनके दरमियान एक लिंक जो है ना वो क्रिएट कर लेता है ठीक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स देयर इंटीग्रेशन ठीक है यानी कि उनको क्या कर लेता है इंटीग्रेट कर लेता है अब उसके माइंड में ये चीज़ आ गई कि जी मैंने एप्पल भी खाया है मैंने मैंगो भी खाया ठीक है अब वो इस लेवल पे कैटेगराइज करता है चीज़ों को डिफरेंशिएट करता है कि मैंने एप्पल भी खाया से और मैंने मैंगो जो है वो भी खाया लेकिन इन दोनों में से जो बेस्ट है ना आई थिंक वो जो है ना वो मैंगो है ठीक है कुछ लोग मैंगो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ लोग एप्पल को पसंद करते हैं तो इस लेवल पे वो करता है क्या करता है डिफरेंशिएट कर लेता है उन चीज़ों के बारे में या फिर उनका इंटीग्रेशन जो होता है वो भी कर लेता है ठीक है समटाइम वो कहता है कि जनाब जो ग्रेप्स हैं वो भी वो स्वीट होते हैं ठीक है और मैं वो भी लेना चाहता हूँ समटाइम वो कहता है मैं एप्पल भी लेना चाहता हूँ मैंगो भी लेना चाहता हूँ यानी सारी चीज़ों का वो समप जो है ना वो बना लेता है ठीक है यानी कि वो एक दूसरी डिफरेंट टॉपिक को वो क्या करता है एक दूसरे के साथ लिंक कर लेता है इंटीग्रेट कर लेता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को वो लिंक कर लेता है

इंटीग्रेट किया हुआ हुआ होता है नॉलेज जमा किया होता है डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट एंगल से उसको वो क्या करता है जर्नलाइज कर देता है इम्प्लीमेंट कर देता है बाकी जो फ्रूट्स हैं बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं बाकी जो टॉपिक हैं उनके ऊपर भी वो यूज करता है ठीक है तो उसके बाद जी देखें अबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडिया आफ्टर सब्जेक्ट इसमें बच्चा क्या करता है एक जो कंटेंट है एक जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मास्टरी हासिल करने के बाद बच्चा जो है ना एक नया आइडिया जनरेट कर लेता है एक न्यू फॉर्म एक न्यू शक्ल जो है ना वो किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट को दे देता है इस लेवल पे बच्चे के माइंड में क्रिएटिविटी जो होती है वो पैदा हो जाती है ठीक है तो इसको अगर एक और है, एंगल से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें हो सकता है आपको इस एग्जाम्पल की मदद मतलब से आपको समझना आई हो ठीक है तो आ, मैं आपको बताता हूँ जो स्ट्रक्चर होता है ठीक है इसमें बच्चे के माइंड में बच्चे की मैंटेलिटी जो होती है उसके उसमें कोई नॉलेज नहीं होता तो यूनि स्ट्रक्चर में आप बच्चे को बताते हैं कि व्हाट इज नाउन ठीक है कि नाउन क्या होता है ठीक है तो इस बस जो है ना बच्चे को आप नाउन के बारे में बताते हैं कि किसी भी चीज का जो नाम होता है वो किसी पर्सन प्लेस या थिंग या फीलिंग या इमोशन का नाम जो होता है वो क्या होता है नाउन होता है ठीक है आपने एक एस्पेक्ट के ऊपर बच्चे को बता दिया मल्टी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने नाउन की टाइप्स बच्चे को बता दी के प्रॉपर नाउन पोजेसिव नाउन ठीक है डिफरेंट इसकी जो नाउन की टाइप्स हैं वो आपने बता दी ठीक है यानी कि बच्चा इस लेवल पे डिफरेंट जो एस्पेक्ट होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उनको स्टडी कर लेता है और रिलेशन में आपने बच्चे, बच्चे को बताना है कि अब एक सेंटेंस जो होता है उसमें मेन चीज़ जो होती है वो एक नाउन के अलावा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता ठीक है नाउन होता है प्रोनाउन भी समटाइम होता है ठीक है और आ, हमारे पास वर्ब होता है ऑब्जेक्ट भी हमारे पास नाउन ही होता है इन सारी चीज़ों का सब्जेक्ट का वर्ब का और ऑब्जेक्ट का जब आप रिलेशन बताएंगे उनको आप इंटीग्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये हमारे पास रिलेशनल हो जाता है ठीक है तो उसके बाद एक्सटेंडेड uh, uh, कहते हैं कि हमने बच्चे को बताया है कि बेटा कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है फिर ऑब्जेक्ट होता है ठीक है बच्चे ने ये किया किया उसको इंटीग्रेट कर लिया इन चीज इन तीनों चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया उसने फिर अब बच्चा एक्सटेंडेड ऑब्सटेक्ट लेवल पे क्या करता है बच्चा वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बच्चे ने अंडरस्टैंड किया उसको जर्नलाइज कर लेता है उसको इंटीग्रेट कर लेता है उसको यूज करके जो है ना वो नए नए सेंटेंस बनाता है यानी कि पहले उसने अपने बारे में सेंटेंस बनाया था अब वो अपने फ्रेंड्स के बारे में फैमिली मेम्बर्स के बारे में यानी छोटे छोटे सेंटेंसेज जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर देता है और इससे फिर बच्चे के माइंड में एक आइडिया जनरेट हो जाता है वो कहता है कि मैं ये जो सेंटेंसेस हैं पहले मैंने सिंपल बनाए थे अब मैं क्या कर सकता हूँ ये सेंटेंस जो तो है ना वो कम्प्लेक्स वे में भी बना सकता हूँ ठीक है तो ये जी मैंने दूसरी एग्जांपल आपको दी है इसको इसके लेवल को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तो आई होप सो के आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा अगर क्वेश्चन है इसके बारे में तो वो आप पूछ सकते हैं जी जी पूछें कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कम से कम रिस्पोंड तो किया करें अगर नहीं क्वेश्चन तो सिंपल बता दें सर क्लियर है जी Yes, yes, चलिए इसके यू नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमने सोलो और बलूम जो टेक्सानोमी है उन दोनों में डिफरेंशिएट करना है कि सोलो टेक्सानोमी और बलूम में क्या डिफरेंस है ठीक है तो सबसे पहले पॉइंट पे हम देखते हैं सजेस्ट बलूम टेक्सानोमी को देखते हैं सजेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी ठीक है इसमें हम क्या करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ठीक है ये लॉन्ग टर्म होती है ये ब्लूम टैक्स जो होती है हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं आपको पता है कि हम ब्लूम टैक्सानोमी को यूज़ करके लिए करने के यूज़ करके हम क्या बनाते हैं हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं टेस्ट ब्लू प्रिंट बनाते हैं ठीक है तो ये लॉन्ग टर्म जो है ना के लिए यूज़ होती है इसलिए हम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इसके लिए बनाते हैं ठीक है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी के लिए हम क्या करते हैं ब्लूम टैक्सनोमी का

एक एस्पेक्ट के बारे में होती है मल्टी स्ट्रक्चर में दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है मल्टी स्ट्रक्चर में ज्यादा होती है ठीक है तो तीन या चार एस्पेक्ट के बारे में फिर रिलेशनल होता है उसमें बच्चा रिलेशन कायम कर लेता है उनके दरम्यान लिंक कर लेता है इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड कर लेता है ठीक है तो यानी कि इसमें बच्चे का जो आ, हमारा बच्चे का जो कंप्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज होता जाता है उसको हम क्या करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं इसमें ठीक है तो सेकंड पॉइंट इसका देखें जी बलहूम थ्योरी इज अबाउट नॉलेज वैल्यू एंड प्रैक्टिकल स्किल ये नॉलेज के बारे में है वैल्यू के बारे में है और प्रैक्टिकल स्किल के बारे में है आपको पता है कि हमारी जो कॉग्नेटिव डोमेन है वो नॉलेज के बारे में है हमारी जो इफेक्टिव डोमेन है वो वैल्यूज एटीट्यूड के बारे में है और हमारी जो साइकोमोटर डोमेन है वो हमारी जो प्रैक्टिकल स्किल है उससे रिलेटेड है ठीक है तो ये इन तीनों जो डोमेन है उनसे बिलोंग करती है और सोलो जो हमारे पास है सोलो एज अ थ्योरी अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग ये जस्ट हमारी टीचिंग और लर्निंग के लिए यूज होती है ठीक है तो इसका जी थर्ड पॉइंट हम देखें यूज टू इवेल्युएट एंड फार्मूलेट टेस्ट ये टेस्ट को जो है ना वो इवेलुएट करने के लिए टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए और फिर टेस्ट को मैयर करने के लिए टेस्ट को इवेल्युएट करने के लिए यूज होती है और सोलो टेक्स आने में इज यूज टू जजिंग द आउटकम ऑफ द स्टूडेंट इसमें हम स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम है वो हम मैर कर सकते हैं ठीक है कि पहले लेवल पे बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है सेकंड पे कितनी हुई है थर्ड पे कितनी हुई है फोर्थ पे कितनी हुई है तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक है तो इसके बाद ये हमारे पास फोर्थ नंबर पे जी देखें देयर इज नो नेसेसरी प्रोग्रेशन इन द मैनर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ठीक है इसमें कोई जो है ना प्रोग्रेशन कोई प्रोग्रेस नहीं होती टीचिंग एंड लर्निंग के मैथड जो है उसमें इसके मैनर में ठीक है तो जो सोलो है इज टेक्स आन है मैनर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ठीक है आप देखें कि बच्चे को आप पहले लेवल पे बच्चे के पास नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे आप बच्चे को और तरीके से पढ़ाएंगे और मेथड आपको और मैनर आपको और वे ऑफ आप टीचिंग आपको यूज करने करना पड़ेगा सेकंड लेवल जब बच्चा एक एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर ला होता है तो फिर आप और चीज और तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे और मेथड से पढ़ाएंगे थर्ड लेवल पे जब बच्चा जो है ना वो यानी कि मल्टी स्ट्रक्चर होता है जब चीज़ों को दो या तीन एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर रहा होता है तो और तरीके से आप बच्चे को अंडरस्टैंड करवाएंगे ये डिफरेंट जो है ना मैनर्स आप क्या करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं ठीक है ये हमारे पास कुछ मेन इसके डिफरेंस हैं हमारे पास ये जो ब्लूम और सोलो टैक्सानोमी है इसके कुछ मेन डिफरेंस हमारे पास मौजूद है तो वो हमने डिस्कस किए हैं तो नेक्स्ट हम इनशाला मूव uh, करते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर जस्ट प्लेस जी ये हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ सोलो टैक्स है कि हमारे पास जो सोलो टैक्सोमी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी वर्थ या वैल्यू क्या है ठीक है तो उसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो है डिस्टिंग बिटवीन दम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉस्क एंडिफिकल्ट डिफिकल्टी ऑफ टास्क ठीक है ये जो सोलो टेक्सोनोमी है ये हम यूज करते हैं कि हम स्टूडेंट की जो कग्लिशन लेवल है उसमें कैसे जो है कम्प्लेक्सिटी आ रही है बच्चा पहले जो जो स्टेज है उसमें कितनी लर्निंग कर रहा है सेकंड पे कितनी लर्निंग हो रही है थर्ड पे कितनी लर्निंग हो रही है ऐसा ऐसा जो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट है हम क्या करते हैं लर्निंग इंक्रीजिंग स्टूडेंट को महर करते हैं और ये एक डिफिकल्टी uh, ये डिफिकल्ट टास्क है जिसके जिसके मैयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ठीक है तो सेकंड पॉइंट देखें बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ असेंडिंग कम्प्लेक्सिटी यानी कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग लेवल नहीं है ये असेंडिंग लेवल है आपने मैथ्स में ये असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है ना वो ये पढ़ी होगी सीरीज तो असेंडिंग में ये है कि ये ऐसा ऐसा लाग ऐसा ऐसा जो है कंप्लेक्सिटी लेवल जो होता है वो बढ़ता जाता है कागनीशन लेवल में ठीक है आप देखें कि सबसे पहले जो पूरी प्री स्ट्रक्चर होता है इसमें बच्चे के पास कोई नॉलेज नहीं होता यूनि स्ट्रक्चर में बच्चे के पास एक एक पहलू के बारे में एक एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज होता है मल्टी स्ट्रक्चर के बारे में में बच्चे के पास जो है ना वो दो या तीन एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज होता है ठीक है ऐसा ऐसा बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होता है वो उसमें कंप्लेक्सिटी आ रही है वो इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो उसके बाद जी थर्ड पॉइंट पे देखें ए, सोलो हैज हैज हाई इंटर रेटेड रिलायबिलिटी ब्लूम लो देखेंोमी है इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है ठीक है, है क्योंकि इसमें हम स्टेप बाई स्टेप क्या करते हैं मूव करते हैं और ब्लूम जो टैक्सानोमी है उसकी थोड़ी लो है क्योंकि उसमें हम बच्चे की जो यानी लेवल्स हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसको हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते ठीक है तो उसके बाद जी हमारे पास फोर्थ नंबर पे पॉइंट जी देखें सोलो इज आ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ठीक है सोलो एक जो, जो टैक्सानोमी है ये हमारे पास रिसर्च बेस है ठीक है क्योंकि इसको इसमें हम स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस होती जो है उसकी जो लर्निंग आउटकम होते हैं उसको हम क्या करते हैं मैयर करते हैं ठीक है थीके? और ये हमें एविडेंस भी प्रोवाइड करती है क्या है कि स्टूडेंट ने किस लेवल तक कितनी लर्निंग की है पहले स्टेज पे कितनी लर्निंग थी सेकंड पे कितनी है थर्ड पे कितनी है ये सारी चीजों का क्या करती है हमें एविडेंस प्रोवाइड करती है ठीक है तो जी अब अगर कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है इसके बारे में तो वो आप मुझे बता मुझसे पूछ सकते हैं ये आज हमारा सोलो टैक्सोनॉमी के जो सेशन है सर तो ये मुझे थर्ड पॉइंट थोड़ा समझना है एक बार अच्छा ये यूज के हवाले से जो यूज है, जो है। अच्छा चलिए ठीक है मैं आपको सोलो हैज टैक्स इकॉनोमी रिलायबिलिटी ठीक है ये जो सोलो टैक्सानोमी है इसकी जो रिलायबिलिटी है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है ये दोनों टर्म का अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छा मुझे पहले ये आप बताएं कि ये हमारे पास जो रिलायबिलिटी है ये होती क्या है फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी रिलायबिलिटी क्या होता है सर जिस टिकाऊ चीज रहे कहीं हमें काफी टाइम तक रहे क्या मतलब समझाएं जरा स्टर्म को आप प्लीज सोलो का मतलब होता है सॉरी रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंटली जब रिजल्ट सेम ही आ रहा हो ठीक है तो ये रिलायबिलिटी होती है ठीक है आप देखें ना कि ये हमारे पास जो सोलो टैक्सानोमी ये कहती हैं कि ये जो हमारे पास सोलो टेक्सानोमी है इसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो हाई होती है बलूम टैक्सानोमी की नस्बत ठीक है क्योंकि इसमें हम स्टूडेंट की जो असेसमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि ये स्टेप बाई स्टेप इंक्रीज हो रही होती है इसकी वजह से इसकी रिलायबिलिटी सेम है और इसमें फिर हम क्या करते हैं हम हर जो स्टूडेंट होता है उसकी जो कंप्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग होती है उसको मैयर कर रहे होते हैं और आप देखें ना एक जो बच्चा है उसने पहले स्टेज पे एक ही पहले स्टेज में उसके पास नॉलेज नहीं होता ठीक है सेकंड स्टेज के सेकंड स्टेज में बच्चा जो होता है उसके पास एक चीज़ के बारे में नॉलेज होता है थर्ड पे दो या तीन चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है फिर वो फोर्थ नंबर पे क्या करता है चीजों के दरमियान रिलेशन कायम कर लेता है फाइव नंबर पे क्या करता है वो जर्नलाइज कर देता है यानी कि वही फार्मूला अप्लाई करके फिर वो बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर लेता है तो जहरी बात है इसमें बच्चे का जो कग्निशन लेवल है वो रिलायबल ही होगा ठीक है क्योंकि बच्चे की जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रही है ठीक है तो वहां पे जो हमारे पास ब्लूम टेक्स है ब्लूम टेक्स आनम में बच्चे के जो कॉग्निशन लेवल होता है उसको क्या करते हैं उसको हम इनक्रीज नहीं कर सकते ठीक है कि उसमें हमको बच्चे हम बच्चे को ये होता है कि पहले नंबर पे बच्चा जो होता है अपना जो नॉलेज होता है उसको यानी कि सबसे जो कॉग्निटिव डोमेन के बारे में हम बात करें सबसे पहले तो यानी कि पहले नॉलेज होता है फिर कंप्रीहेंशन होता है फिर एप्लीकेशन हो, होता है फिर सिंथिसाइज एनालिसिस होता है फिर सिंथिसाइज फिर एवेल्यूशन होता है तो उसके ये सारे स्टेप्स हैं ठीक है यानी बच्चे के पास ऑलरेडी नॉलेज मौजूद है ठीक है तो वो वही नॉलेज बच्चा जो है ना वो यूज़ कर रहा है और सोलो में ये है कि हम स्टेप बाई स्टेप बच्चे की डिवेलपमेंट कर रहे हैं बच्चे की जो नॉलेज है बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको स्टेप बाई स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं इस वजह से ये जो हमारा मेथड है ये ज़्यादा सूटेबल है और ये ज़्यादा हायर रिलायबल है ठीक है ओके okay, सर। चलें जी थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखें आप अच्छा तो आप मुझे ज़रा ये सजेशन दें ना बताएं जरा इसके बारे में कि जस्ट मिनट आपने सेशन को ऑफ नहीं करना मैं जरा ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ ठीक है डियर एस्पायरेंट्स आप अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफि फ़ीमान फिर